मैं प्लेनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार दीप, आप पर्दे पे देखते होंगे, पर्दे पे मैं इस नाम से जाना जाता हूं। इसके पूर्व मैं दीप मोहम्मदाबादी के नाम से जाना जाता था। मैं टी सीरीज के एक प्रमुख पद पे रहा बहुत साल तक, और वहां पर हमने भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। जिस समय भोजपुरी शुरू हो रही थी, कुछ ही लोगों के एल्बम बने थे उसमें, जिसमें कि शारदा सिन्हा और बालेश्वर थे। उसके बाद जितने भी जन हमारे भोजपुरी के गायक आए, चाहे भरत शर्मा हो, चाहे मदन राय हो, विष्णु ओझा हो, मुन्ना सिंह हो, मनोज तिवारी हो, सभी लोग कहीं से न कहीं से हमने समय दिया और इन लोगों को परखा और जाना और जान करके टी सीरीज से इन लोगों को जोड़ा। ये बहुत लंबे समय तक काम चला, लेकिन अफसोस ये होता था कि भोजपुरी को द्वर्थी भाषा का गीत मिलता था, और यही लोग जानते थे कि भोजपुरी एक गंदी जबान है, गंदे गीत हैं। मजबूरी ये थी कि जितने भी भोजपुरी जितने भी म्यूजिक कंपनियों के मालिक थे, कोई भोजपुरी भाषी नहीं था, या तो पंजाबी थे, सिंधी थे और लोग थे। उन लोगों को मैं समझाने में काफ़ी सफल हुआ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। भोजपुरी में बहुत अच्छे धार्मिक त्यौहार हैं, बहुत फेमस त्यौहार हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं। उनको चैप्टर वाइज मैंने फिर रिकॉर्ड करना शुरू किया, जैसे कि विवाह गीत क्या होता है, तिलक गाड़ी क्या होती है, कबीर का निर्गुण क्या है या निर्गुण ही क्या है, उनको चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करना शुरू किया। बिहार की पूर्वी क्या है, और जब चैप्टर वाइज रिकॉर्ड होने, उस समय देवी गीत का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उन चीज़ों को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, उन लोगों को समझाया और अच्छे ढंग से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में, और उसको रिकॉर्ड करके आज जो भोजपुरी में आपको छठ गीत सुनने को मिलता है, माँ का पचरा सुनने को मिलता है, कबीर के निर्गुण सुनने को मिलते हैं, इन सब चीज़ों पे काफ़ी अध्ययन किया गया और काफ़ी वैरायटी को रिकॉर्ड किया गया। भोजपुरी का दायरा इससे बहुत बढ़ा। पहले जब भोजपुरी रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, जिसमें पालीडोर कंपनी, HMB कंपनी, मधुर रिकॉर्ड्स कंपनी बनारस की, तो उस समय खपरेल पे एक लाउड स्पीकर लगा के बजाया जाता था, और एक ओकेजन पे किसी के घर शादी हुई, कोई पूजा हुआ, तभी सुनने को मिलता था। अब वो दिन आ गया कि टेप रिकॉर्डर आ गया। अब टेप रिकॉर्डर से गाने वैसे ही सुने जा सकते थे जिनको घर में बजा सके हम। इसमें लड़कियों की संख्या बड़ी कम थी, लड़कियों की संख्या थी ही नहीं, जो अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़कियां थीं इस फील्ड में थी ही नहीं। इसमें शुरुआत किया शारदा सिन्हा जी ने, और एक अच्छे गीत के साथ HMB में उन्होंने गाया जय जय भैरवी असुर भयामन, पशुपति भामिनी माया, ये विद्यापति का गीत लोगों ने खूब सुना। उसके साथ जगदम्बा घर दिया ना बाग आई हो, ये इतना झूम के बजा कि हर देवी मंदिर के लाउड स्पीकर में गाना बजता ही बजता था। इस तरह से कई स्टेप में भोजपुरी दिन ब दिन आगे बढ़ती गई और घर 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 में घुस गया। कमाल तो ये हुआ कि जब सारी विधाएँ कि गौण गीत क्या है, बिरहा क्या है, रामायण प्रसंग क्या है, ये सारी चीज़ें जब सुनने को मिलने लगी, तो भोजपुरी सिनेमा देखना लोगों ने बंद कर दिया और बहुत दिन तक भोजपुरी सिनेमा बना ही नहीं, क्योंकि उनको सचमुच एक ज़मीनी स्तर का संगीत सुनने को मिलता था, मिलने लगा, जिसको दिन रात सुनते थे स्टेज प्रोग्राम पे। वही चीज़ों को उसी रूप में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। समय का बदलाव हुआ, फॉर्मेट चेंज हुए, फिर वीडियो का ज़माना आया, CD का ज़माना आया, तो उसमें भी योगदान रहा और इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक अच्छी नींव पड़ गई थी पहले ही। जिन भोजपुरी भाषा के सिंगरों को एक हे दृष्टि से देखा जाता था, इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, उनसे कंपनियों के मालिक कभी मिला भी नहीं करते थे, आते थे गाना गा के साल में दो साल में चले जाते थे, लेकिन एक ज़माना आया कि मनोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, भरत शर्मा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मालिक लोगों को इंतजार रहता था, सम्मान देते थे,
और भोजपुरी धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। समय का बदलाव हुआ, फॉर्मेट चेंज हुआ, चेंज होता जा रहा है। अभी जो दौर चल रहा है भोजपुरी में, थोड़ा सा ऐसा एक बादल मंडरा रहा है जिसको गंदापन, तो मैं निवेदन करूंगा सभी गायकों से, आप विश्वास करें और यकीन रखें कि आप हिट होंगे ज़रूर। फ्लाप होना ईश्वर के हाथ में है। गंदा गाने से आप कोई आप हिट नहीं हो जाओगे, इसलिए आप अपनी संस्कृति को, विरासत को बचाइए। आपको अपनी अगली पीढ़ी को, जब आपकी बेटी जवान होगी, आपका बेटा जवान होगा, YouTube का ज़माना है, आपकी रचना कहीं जाने वाली नहीं है। उन रचनाओं को जब वो लोग गर्व के साथ ढूंढना चालू करेंगे कि मेरे पिताजी ने क्या लिखा, मेरे दादाजी ने क्या लिखा, तो उनको बहुत मायूसी होगी कि हमारे दादा ने भोजपुरी के लिए ऐसा गंदा गाना लिखा है, गाया है कि मैं अपनी सहेलियों से या अपने बेटों बेटियों से नहीं बता सकती। इसलिए निवेदन है कि उन पीढ़ियों को शर्मिंदा न करें। बिहार और यूपी देवताओं का घर है, जहाँ कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, एक से एक महान क्रांतिकारी पैदा हुए, उनसे जुड़ी रचनाओं को आप लेके सामने आए। जिन विधाओं को लोगों ने सुना नहीं है, जाना नहीं है, जिन क्रांतिकारियों के बारे में नहीं जाना है, जिन देवियों के बारे में नहीं जाना है, जिन देवताओं के बारे में नहीं जाना है, जिन ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं जाना है, उन पर काम करें, आपको निश्चित सम्मान मिलेगा। धरती कभी भी कोई बीज को छुपाती नहीं है। धरती पे जो बीज आप डालोगे, समय जब आएगा तो उसको उसमें अंकुर जरूर आएगा। सिनेमा में आपको सम्मान मिलेगा, आपको देखा जाएगा, आपको सुना जाएगा, लेकिन मज़ा तो तभी आएगा जब आप अच्छा काम करें। समय लगता है, अच्छा काम जरूर एक दिन काम आएगा। Planet Bhojpuri.